इतना मेहनत करती हूँ इन सब के लिए, घर चलाने के लिए, पढ़ाने के लिए। लेकिन चंदन भैया आप पढ़ लो, हमार बेटा हमार बापू पढ़ लो, मजदूरी मत करो, हमें मैंने पैसा नहीं वीडियो बनाना चाहिए। शुरू की थी उसके 1 साल पहले, 1-2 साल मैं भी बनवाई थी इनके घर आकर। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। साड़ी का ये जो किनारा था सिलना, वो भी सिल ली हूँ। तो यहाँ पर सब तो साड़ी सब रखने जा रहे हैं, और आज तीनों साड़ी पहन के दिखाएंगे। पहले कौन वाला पहने अंजलि? ये वाला पहने कि ये वाला पहने? पहले ये वाला पहने, एक एक पहनते हैं। तो ये वाला चल रही हूँ पहनने। तो दोस्तों देखिए, ये वाला साड़ी मैं पहन ली हूँ जो दिखाई थी अंजलि। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ओढ़नी ओढ़ो। तो ओढ़नी ओढ़ने को बोल रही है, सर पे आंचल। तो दोस्तों ये वाला साड़ी मैं पहनी, बताना ये वाला कैसा लगा, है ना जी? चलते हैं, निकालते हैं, दूसरा वाला पहनते हैं, आप सबको पहन के दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों ये गर्मी के मौसम में पहनने वाला नहीं है, थोड़ा सिल्क ही है, सिल्क का है। और नदी से दिखा दो। और ये चिपकाया गया है, देखिए हाथ में छूट रहा है, चमक रहा है हाथ में ये। तो चलते हैं, निकालते हैं, दूसरा पहनते हैं। तो ये वाला निकालते हैं, चलते हैं, ये वाला पहन के दिखाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा साड़ी पहन रहे हैं, थोड़ा पहनने में हमें टाइम लगता है, तो सही बैठ नहीं रहा है आंचल। कुछ इस तरह से आंचल बना रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला साड़ी भी पहन ली, देखिए। और ये पहनने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ये फिसलता बहुत है। और ये वाला बताना आप सबको कैसा लगा। और इसका प्लेट थोड़ा बनाने में हमें मुश्किल लगा। और हमारी गांव के बहनें अक्सर मोटे होने का सपना देखती हैं, गांव की मैं बता रही हूँ। दुबली पतली अक्सर घरों में सभी बहनें हैं, बहुत कम हैं कि मोटे हैं। दुबले पतले लोग पहने होते तो बड़ा अच्छा लगता साड़ी, लेकिन आप समझ सकते हैं थोड़ा मैं मोटी हूँ, तो कोई भी साड़ी पहनते हैं थोड़ा भद्दा लगता है, दुबले पतले लोग पे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी साड़ी हमारे लिए बहुत अच्छा है, देखिए कुछ इस तरह हमारा साड़ी। दूसरा वाला पहन लेते हैं और ये निकालते हैं। कुछ इस तरह हमारा साड़ी था, और इसका ब्लाउज कुछ देखिए, गला कुछ इस तरह बनाई। तो ये वाला निकाल देते हैं, दूसरा वाला पहन लेते हैं। पहनने में बड़ा टाइम लगता है, बिगाड़ने में कुछ भी समय नहीं लगा। दोस्तों लास्ट वाला साड़ी ये वाला पहनी, तो तीनों ब्लाउज सिली थी तो आप सबको दिखा दी। ये कुछ इस तरह ये ब्लाउज का गला हमारा बैठा है, ये वाला नजदीक दिखा दो, देखिए कुछ इस तरह गला इसका है। तो देखिए पीछे का कुछ इस तरह डिजाइन है। तो जो दीदी दी थी बोली थी, संगीता वीडियो जरूर बनाना, पहन के दिखाना, ब्लाउज सिली हो साड़ी के साथ कैसा मैच कर रहा हम देखना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं ये वाला वीडियो बनाई। और ये वीडियो तीन साड़ी पहनते हुए हमें दोस्तों 2 घंटा लग गए, 2 घंटा से ज़्यादा लग गया पहनते उतारते दिखाते। तो यहाँ पर मैं पहन ली हूँ, अब चलती हूँ, अब उतारना है ना धरना है। ये साड़ी अब पहने रहेंगे, कल ही उतारेंगे सुबह नहाने के बाद में। तो यहाँ पर हमारी अंजलि अंजलि शीतल तह लगा दी है पूरे साड़ी का, जैसे इनका मन किया उसी हिसाब से लगा दी। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ करके, ब्लाउज साड़ी रख रहे हैं, और फिर आगे का वीडियो शूट करेंगे आप। तो सब लोग देखिए काम करने यहीं पे आते हैं खेत में। अंजलि आ जाओ, उल्टा दिशा है इसीलिए धुंधला दिखा रहा है। तो चंदन वहाँ आ रहे हैं, शीतल यहाँ। तो सब लोग को बुलाने चली आई ताला लगा के घर से यहाँ खेत में, और उल्टा दिशा दिख रहा था तो बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था यहाँ पर।
अंजलि चढ़ेगी, करंट लग जाएगा, तार गया है खेत में सिंचाई करने के लिए। तो दोस्तों खेत में मैं आ गई शाम के टाइम और यहाँ पर लग गए हैं काम करने के लिए। हमारे जेठ जी का खेत है तो उन्हीं के घर काम कर रहे हैं, यानी हमारे ससुर जी के भाई का नाती ऐसे हैं, तभी तो जेठ जी लगे होंगे और मैं बता नहीं पा रही हूँ। तो वहीं पे आए हैं, ये तंबाकू का ये बांध रहे हैं, गठिल नज़दीक से दिखा दो। तो इसी तरह ये बांधेंगे, अगर 1000 बांध लेते हैं तो कितना पैसा मिलेगा? 150 1000 गट्ठी का। तो यही काम हो रहा है दोस्तों, और ये तंबाकू का काम हो रहा है और लाइसेंस बनवाए हैं, पास करवाए हैं तभी तंबाकू बैठाते हैं। बाकी और गांव के बच्चे हैं तो वीडियो में उनको नहीं दिखा सकती। और इधर देखिए तंबाकू सब रखा हुआ है। दोस्तों इन सबको बोलती हूँ कि पढ़ाई करो, घर पे रहो और पढ़ने जाओ, लेकिन ये अपना ऊपर का खर्चा, जैसे मान लीजिए अपने मन का जो भी शॉपिंग करना, ख़रीदना, उस काम के लिए ये काम कर रहे हैं। और बाकी मैं फोर्स नहीं करती कि ये काम करने आओ। बहुत मैं बोली जब मैं वीडियो बनाना शुरू की थी उसके एक साल पहले, एक दो साल मैं भी बनवाई थी इनके घर आकर। तो चंदन छोटे छोटे थे तो चंदन को आता है बांधना, हमको भी बांधना आता है, सभी बांध लेंगे, उसको सही करना है बस, होल्ड कर लेना है के लिए। तो चलते हैं यहाँ से। और चंदन देखिए यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ दीवार के पास छिप गए, तो यहाँ से निकल रही हैं। तो मैं और अंजलि वीडियो शूट की अभी आगे का, तो ये स्कूल से आए और चले गए काम करने। दोस्तों आजकल ये मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी के आगे ये खाना भी नहीं खा रहे हैं। मैं इतना मेहनत करती हूँ इन सब के लिए, घर चलाने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन ये सब खुद नहीं समझते। भैया हैं, दीदी हैं सब, और कितना सपोर्ट करते हैं इनके पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई भी चलता है, ऐसा बात नहीं है, पढ़ते हैं मन लगा कर, लेकिन साथ साथ मजदूरी भी करने चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ हाल है, मैं इनसे बोलती हूँ चंदन भैया आप पढ़ लो, हमार बेटा हमार बापू पढ़ लो, मजदूरी मत करो, हमें पैसा नहीं चाहिए, बड़े हो जाना, पढ़ लिख के फिर कोई काम करना, मेरा सपना पूरा करना है ना चंदन, चेहरा से हाथ तो हटा लो। तो दोस्तों चंदन बैठा लिए हैं और साइकिल से ले जा रहे हैं, चौराहे पे जा रहे हैं और अभी आगे का लोकेशन आप सबको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं साइकिल पे बैठी हुई हूँ और वीडियो बना रहे हैं, तो रास्ते में देखते हैं सब लोग कि क्या कर रही है, मोबाइल ही है, बोल रही है, ये सब देख रहे हैं। देखिए लगता है कि मोबाइल गिर ना जाए हाथ से। तो चलते हैं चौराहे का दिखाएंगे आप सबको लोकेशन। तो हमारे यहाँ मार्केट का ख़ास बात है सब्जी मंडी में, तो जो भी आपको सब्जी लेना है हाथ से एक एक छांट के सब्जी ले सकते हैं, सभी इसी तरह लेते हैं। सड़ा गला सब्जी कोई नहीं, मतलब जिसे हर दुकानदार रख देते हैं ना, मनमानी करते हैं, यहाँ पर नहीं मनमानी चलता, अपने हाथ से ही छाँट। तो यहाँ पर सब्जी खरीद ली हूँ, हिसाब करना है पैसा ले। अभी तो इधर देखिए दुकान सब लगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में सब्जी कुछ इस तरह से लगा हुआ है, टमाटर प्याज मिर्ची। तो दोस्तों हम चौराहे पे आए हैं मेन, यहाँ पर देखिए दुकान है सब, बंदर वहाँ पे खा रहा है। तो आज चौराहे पे खड़े होकर बीच चौराहे पे वीडियो बना रही थी या खा रही थी। तो दोस्तों चौराहे से आने के बाद में यहाँ पर सब लोग बैठ गए हैं और सब्जी घटा था वही लेने गई थी आगे का आप सबको दिखाई। तो आज थोड़ा टाइम निकाल के कुछ अलग वीडियो बनाई दोस्तों, और जैसा भी आप समझ सकते हैं मैं घर में ही रहती हूँ, खेती और ही गांव तक सीमित रहती हूँ, जहाँ जाती हूँ वहाँ ज़रूर दिखाते हैं। तो
हमारे कई भाई बहन बोलते हैं संगीता थोड़ा बाहर का लोकेशन दिखाया करो वीडियो में, अच्छा लगता है, और अलग बनाया करो, गांव का भी दिखाया करो। तो कल वाले वीडियो में तो गांव दिखाई थी दोस्तों, कल आप सब कम पसंद किए, तो ऐसा हो जाता है। और हमारी बहनें भैया सब गुंजन को याद कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे हैं, और ख़ासकर हमारे यूरोप के भैया और दीदी बोले हैं कि संगीता दीदी आप गुंजन को भेजी हो, उसको बुलाओ, वो पढ़ाई उसका नुकसान हो रहा है। तो सही बात है, पढ़ाई गुंजन का नुकसान हो रहा है। तो आप सब नाराज़ ना होना दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है गुंजन जल्द आएगी, मेरा मजबूरी था तो मैं भेज दी, आप सब जानते ही होंगे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। दोस्तों कभी वीडियो में और कोई हमें बोलने में या जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाया करे तो आप सब माफ़ कर दीजिएगा। और आप सबसे सदा यही बोलती रहूँगी, शुरुआत से ही बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ। तो इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना और मेरा हिम्मत बढ़ाते रहना। कमेंट बॉक्स कल भी बंद हो गया था, हमें बहुत दुख लगता है, लेकिन त्यागी भैया को धन्यवाद जो कमेंट बॉक्स थोड़ा लेट ही सही ओपन कर देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। नमस्ते। लाइक और सब्सक्राइब करके प्लीज मास्टर लर्निंग करके दिया।